हेलो गाइस, आज मैं वेज मंचूरियन बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आधा बंधा गोभी यानी कि कैबेज को अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। दो गाजर, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले। सोया सॉस, थोड़ी सी विनेगर, 1 चम्मच विनेगर, और इसमें मैंने ये लहसुन और अदरक को मैंने कूट के डाली हूँ। आप चाहे तो इसको पीस के डाल सकते हैं, मैं लेकिन कूट के डाली हूँ। इसमें थोड़ा सा इसका पाउडर, थोड़ी सी चीनी, इसमें और कौन फ्लोर ले लेंगे ये, ताकि ज्यादा है तो थोड़ा मैं और ज्यादा डाल दूँ। फ्राई पैन गरम हो गया, मैं इसमें तेल डालू। इसी तरह गोल गोल करके इसको कम आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह जो बचा हुआ था मैंने दोबारा छान ली हूँ, और पहले वाला ये इसको मीडियम आंच पे ही छानेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, नहीं तो ये कच्चा हो जाए, कच्चा रह जाएगा। ये मैंने अदरक और वो लहसुन का जो कुटी थी वो वाला थोड़ा बचा के रखी थी, और इधर साबुत सब्जी, गाजर, शिमला मिर्च और बंधा गोभी। सबसे पहले मैंने इसमें जो छानी थी उसी में मैं इसको डाल के थोड़ा सा भूज लेंगे। अब इसमें जो ये सब्जी मैंने काटी थी 1 मिनट, क्योंकि ये कच्चा ही रहता है थोड़ा, तो इसको 1 मिनट ऐसे भूज लेंगे। थोड़ी सी नमक, ये तीखा वाला थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर लाने के लिए भी लाल मिर्च, विनेगर, टोमेटो केचप, 1 चम्मच टमाटर, 2 चम्मच एक कॉर्नफ्लोर ली हूँ, और इसमें पानी डाल के मिला लेंगे। 1 कप पानी डाल देंगे इसमें। ये उबल गया है, अब इसमें जो ये कॉर्नफ्लोर और पानी मिला के रखे थे अब इसको भी इसी में डाल देंगे। साथ में जो मैंने ये छानी थी इसको, और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये हो गया है, अब मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल अच्छा कलर आया हुआ है, ये बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। ये वेज मंचूरियन। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।